5G स्पेक्ट्रम पाई निलामी सप्तम दिन रे शेष होई स्पेक्ट्रम बिक्री रु सरकार को निकट को 1.5 लाख कोटी टंका आसीतिबा सूचना मिली छी। एही अर्थराशि आशा थारु ढेर अधिक रही छी। तेबे निलामी बाबद रे आनुष्ठानिक भाबे सरकार को पक्षरु घोषणा हेबा को बाकी रही छी। निलाम समाप्त नै सूचना देछंती केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। से कहिछंती आगामी किछि दिन मध्ये रे समस्त औपचारिकता शेष हेबो। तेबे आमे अक्टूबर सुधा देश रे 5G लॉन्च करबा को समर्थ हेबो बोली कहिछंती केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। एही 7 दिन रे मोट 40 राउंड स्पेक्ट्रम निलामी चलीथिला। एथिरे दूरसंचार कंपनी गुडी को बेस उत्साह सह बोली लगाइथिले। एहा सह गत वर्षर निलामी डकराठु अधिक आय रेकर्ड करा जायछि। 10 दिन मध्ये रे कंपनी गुडी को एही टंकार पैठ करबा को पड़िबो। 5G स्पेक्ट्रम निलामी रे भाग नैतिबा कंपनी गुडी को मध्ये रे रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एवं आदानी एंटरप्राइजेस शामिल अछि। कंपनी गुडी को सेप्टेम्बर अक्टूबर सुधा 5G सेवा आरंभ करि पारंती। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन बहुत ही एक अच्छे सीमलेस तरीके से हुआ है और ये एक सूचक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म जो उन्होंने किया है, एक जो क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन दिया है और जो ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री जी ने दी है टेलीकॉम सेक्टर को, ये उसका परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर अपनी कठिनाइयों से निकल के एक सनराइज सेक्टर बन रहा है, एक ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। आज ऑक्शन कंप्लीट हुआ है, अगले कुछ ही दिनों में जो जितने भी दूसरी फॉर्मेलिटीज़ है, स्पेक्ट्रम को अप्रूव करना, एलोकेट करना, अपफ्रंट पेमेंट जो ऑपरेटर्स जमा कराएंगे वो सब करीब करीब 10-12 अगस्त तक कंप्लीट होएगी। और जिस तरह से ऑपरेटर्स ने भी तैयारी करके रखी है, डिपार्टमेंट ने तैयारी की है और सरकार ने तैयारी की है और साथ ही साथ ऑपरेटर्स ने भी तैयारी की है, देश के कई हिस्सों में इक्विपमेंट लगाने की तैयारी चल रही है, तो उससे लगता है कि अक्टूबर में हम 5G देश में लॉन्च होने की स्थिति में हम लोग होंगे। तेबे 5G स्पेक्ट्रम पई सरीछि निलाम प्रक्रिया। अक्टूबर सुधा 5G सेवा आरंभ हेबाने मध्य केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव ग्रीन सिग्नल दे सचंती। अधिक आलोचना करबा नुआदिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल हम सतो जोडियौछंती। गगन, आउ मात्र मझरे गोटे मास रो अपेक्षा कुआ जाय पारे अक्टूबर सुधा 5G सेवा भारत रे आरंभ होइछबा, ओनेय केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य ग्रीन सिग्नल दे सचंती। निश्चित भाव आज जो प्रेस मीट थी, प्रेस मीट रे बहुत एक्साइटेड थे केन्द्र मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं 7 दिन धरी जो बर्तमान निलाम प्रक्रिया चलता ता बर्तमान शेष होती। निश्चित भाव केन्द्र सरकार को गोटे बड़ अमाउंट बजेट आसो, जमीक 1,50,173 कोटी टंकार ये निलाम प्रक्रिया शेष होती। देखिए आ गोटे मात्र बाकी रही जोटा कि अगस्ट 12 तारीख सुधा पूरा कंप्लीट हो। जो अनुसार से इनफर्मेसन देखते सेक्टर जो सेक्ट्रम रही आवंटन अगस्ट 15 रु आरंभ हो, जमी आप कहते जो राशि निश्चित भाव पैठ करवा ऑलरेडी आरंभ करदे सबू जो रही निलाम प्रक्रिया जो कंपनी मैंने पार्टिसिपेट करते अगस्ट 15 रे जेहेतु सेक्ट्रम आवंटन हो तेज निश्चित भाव आशा करा गोटे मस भितर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाई प्रोसेस रही कि दस्तावेज जो रही प्रोसेस रही से गुड़िक निश्चित भाव मसे देढ़ मस भितर से शेष करेंगे। कहीपर आम सेप्टेम्बर लास्ट किंवा अक्टोबर फास्ट रे भारत में 5G सेवा आरंभ हो, तेज निश्चित भाव प्रथम पर्यायर आप देखिए जो बड़ बड़ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी रही निश्चित भाव से आरंभ हो पाए 5G सेवा और निश्चित भाव अक्टोबर में या इनाग्रेट करने बर्तमान केन्द्र सरकार बेस एक्साइटेडमेंट अच्छा। प्रधानमंत्री जो विजन रही प्रति पंचायत में कि भाव इंटरनेट सेवा सुदृढ़ हो पार से प्लानिंग चली जगार आप देखिए तार मध्यम बर्तमान पहुंचा सब पंचायत गुड़िक्वस्था कराई तेज निश्चित भाव गोटे उत्साह देखा मिलता। खास कर देखिए जो यूपी सर्कल था से बेसी उभय जो रिलायंस कथा कहतु बा जो भारतीय एयरटेल रही भितर काफी मेगाहर्ट जो 1800 मेगाहर्ट सेक्ट्रम रही कंपिटिशन जो कथा को आज अश्विन वैष्णव उल्लेख कले निश्चित भाव सब आगे कौटना कौट रिलायंस जियो रही जोटा की 88,000 78 कोटी टंकर सी बर्तन निलाम ग्रहण कर देखिए आदानी ग्रुप 212 कोटी एयरटेल 43,084 कोटी वोडाफोन आइडिया मिलित भाव जो 18,799 कोटी एभली निलाम प्रक्रिया थी तो निश्चित भाव एयरटेल रिलायंस जियो के कौटना कौटी समस्त आगे रही प्रथम थर पर जेहतु आदानी ग्रुप
এতে এন্টার করেছি সিধা আগামী দিনের দেখবে কম্পিটিশন বড়ব এবং ইয়ে 20 বর্ষ পাই যেহেতু নিলাম হয়েছি খুব শীঘ্র সবু বিএসএনএল কু মধ্য অপগ্রেডেশন করা হচ্ছে সেই কেন্দ্র সরকার পলিসি আনছেন পূর্ব বজেটে পূর্ব যাই কেন্দ্র যে ক্যাবিনেট বৈঠক লা সে বৈঠক মোহর মারিছি দেখবে দুই বর্ষ তিন বর্ষ ভিতরে বিএসএনএল কু অপগ্রেডেশন করবে কেন্দ্র সরকার 5G রে তো নিশ্চিত ভাবে আগামী দিনের কম্পিটিশন বড়ব ভাল নেটওয়ার্ক লোক মিলব এবং খাস করে যে 700 মেগাহার্জ কুহতু 800 কুহতু কিংবা 1800 কুহতু কিংবা 3300 মেগাহার্জ কুহতু তো নিশ্চিত ভাবে ই ডাটা যে ডাটা কু আপন ঘন্টে অধ ঘন্টায় লাগুছিলা 4G রে সে ডাটা কেতে সেকেন্ড রে ডাউনলোড হয়ে পারিব মুভি কথা কুহতু বা কিছু গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবিজ কথা কুহতু বড় বড় পিডিএফ ফাইল কথা কুহতু কিংবা ব্যাংকিং ট্রানজাকশন কথা কুহতু তবে নো ডাউট যে মেট্রোপলিটান সিটিরে অনেক সময়ের যে নেটওয়ার্কর অভাব বা অনেক সময় লিঙ্ক ফেলিওর হচ্ছিল ব্যাঙ্ক ট্রানজাকশন কথা কুহতু কিংবা অনেক সময় যে লাইন লাগুছিল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মর কার্যক্ষেত্রে তুমি নিশ্চিত ভাবে তা আহরি সহজ হব তা আহরি স্পিড নেটওয়ার্ক লোক মিলব এবং লোক মানে ইয়া দ্বারা দেখবে বিজনেস আহরি দ্রুতগতিরে বড়ব কিনা যে ওয়ার্ক করা যে কোম্পানি গুড়ি খাস করে যে ডিজিটাল কু বেশি প্ল্যাটফর্মর ব্যবহার করছেন আপনার গণমাধ্যম টু আরম্ভ করি ব্যাঙ্কিং পর্যন্ত সবু এজেন্সি কুহতু বা কোম্পানি কুহতু সমস্ত নিয়ে পারে তো নিশ্চিত ভাবে সেটি যেতে যেতে স্পিড আপনার নেটওয়ার্ক মিলব তো নিশ্চিত ভাবে আপনার কাম স্পিড হব তবে নিশ্চিত ভাবে ভারতের গোটে যেহেতু 5G কু নেই সমস্ত আকলন লা যে অনেক কন্ট্রিরে 5G আরম্ভ হল অপেক্ষার অবসান ঘটেছি কুয়াযাই পারে গগন আসন্তা কুয়াযাউছি অক্টোবর সুদ্ধা 5G সেবা মধ্য ভারতের আরম্ভ হয়েছে এনে কেন্দ্র মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মধ্য আজ গ্রিন সিগনাল দিয়ে সারিছন্তি বহুত বহুত ধন্যবাদ নয়াদিল্লী প্রতিনিধি গগন বিশ্বাল আম সহ ফোন লাইন যোগে যোড়ে খবর বাবদে অধিক আলোচনা করুলে।